कराची में हिसार फाउंडेशन और एशिया फाउंडेशन की जानिब से पानी की इफादियत और उसके बचाव के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान में पानी के बहरान पर काबू पाना है। देखते हैं फरवा अली की रिपोर्ट। हिसार फाउंडेशन और एशिया फाउंडेशन की जानिब से ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ मिलकर सेफ लाइफ सेफ वाटर के नाम से होने वाले सेमिनार में पानी की अफादियत से मुतालिक आगाही फराहम की गई। हिसार फाउंडेशन के चेयरपर्सन अशरफ कपाडिया का कहना था कि 15 साल से हिसार फाउंडेशन पानी से मुतालिक आगाही फराहम कर रहा है। हिसार फाउंडेशन जो कि 15 साल से पानी में काम कर रहा है, उसने इस चीज़ पे ऑर्गेनाइज किया था। पानी एक बहुत संगीन मसला हो गया है पाकिस्तान के लिए, ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट या वजूद का खतरा बन गया है। एशिया फाउंडेशन के डायरेक्टर का कहना था कि पाकिस्तान में पानी का मसला संगीन होता जा रहा है, जिसे हल होने की जरूरत है। We have initiated this important work to develop some narratives around the water, energy and food nexus in Sindh Province. ऑस्ट्रेलिया के एक्टिंग हाई कमिश्नर ड्यू प्रिस्टन ने कहा कि सेमिनार का मकसद पानी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। This is a really important step of bringing together that understanding that you can't just deal with water. It concerns water, food and energy. And by tackling that together and getting sort of consensus around the issue, and looking where each of us can help out to address the issue, I think is a very important step forward. مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد پاکستان میں صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔